आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां दिल्ली गेट की रहने वाली एक महिला ने अपने मृत पति के दोस्त पर आरोप लगाते हुए बताया कि वह जल विभाग में अपने मृतक पति की जगह पर नौकरी कर रही है। बीते दिन पहले जब महिला का पति जिंदा था, तब महिला के पति का दोस्त का घर में आना जाना हुआ करता था, लेकिन आरोपी की बुरी नीयत महिला की आबरू पर थी। महिला के पति की मृत्यु हो जाने के बाद भी यह लगातार घर में आता जाता रहा। महिला ने इसके आने जाने का विरोध किया तो उसने इस पर जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। जब आरोपी युवक अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ तो महिला और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। वहीं जब पूरे मामले को लेकर वह महिला पूर्व महापौर शकुंतला भारती के पास पहुंची और उसने अपने ऊपर हुए अत्याचार को बताया तो महापौर शकुंतला भारती ने पीड़ित महिला को न्याय दिलवाने का आश्वासन दिया। शकुंतला भारती के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आरोपी युवक पीड़िता के घर में घुसकर गला घोटने और जान से मारने की भी कोशिश कर चुका है। इसके खिलाफ थाना दिल्ली गेट में तहरीर दे दी गई है। जल्दी इसको पकड़कर जेल की सलाखों में भेजने का कार्य किया जाएगा। वहीं शकुंतला भारती ने बताया कि यह युवक इस महिला पर गंदी नीयत रखता था और पति के मृत्यु हो जाने के बाद भी लगातार इसके साथ संबंध बनाने का प्रयास कर रहा था। नगर निगम में जॉब करती हूँ। वो मेरे पति के साथ पहले से रिलेशन में था और धीरे धीरे मेरे पति के ख़त्म होने के बाद वो मेरे लिए हमदर्दी दिखाते दिखाते उसकी निगाहें मेरे पे गलत नज़ारे से मुझे देखने लगा। उसके बाद मुझसे कहने लगा कि मैं अनमेरिड हूँ और आपके साथ मैं अपने आपके बच्चों को अपना नाम दूंगा और आपको सहयोग करूँगा। ऐसे कह कह के मुझे वो उसको मुझे विश्वास दिलाता रहा। जब मैंने एक दिन उससे कहा, मैंने भाई टाइम ज़्यादा हो चुका, आप तो शादी करो। तो जब मैं उसके घर पहुंची तो उसकी घरवाली के बारे में मुझे पता चला कि ये पहले से ही ऑलरेडी बच्चेदार है। जब मैंने वहाँ पूछताछ की तो उसने अपनी भाई की साली को बताया कि ये मेरे भाई की साली है और उसको ऑलरेडी दो बच्चे थे। जब मैंने उससे कहा कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, तू शादीशुदा है, तो उसने कहा कि तू राजी गैर राजी रहेगी, मैं अपने बच्चों को लेकर के तो उनको घर में रहती हूँ और वो आए दिन आके मेरे पर हमला करता है। एक बार उसने अभी 3 तारीख सुबह रात को 4 बजे आया और उसने मेरे गेट को बजाया। मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटा देखना गेट पर कौन है, तो मेरी बेटी ने गेट खोला। मैं पलंग अंदर बाथरूम चली गई थी तो उसने गेट खोलते ही मेरी बेटी का मुँह बांध के बेड पर डाल दिया और मेरे मुँह पे अंगोछा से उसने मुँह दबाया और गला दबा के उसने किचन में ले गया। तो क्या आपके साथ असली हरकतें भी की थी? असली हरकतें करने की कोशिश की थी। मैं उससे छुटकारा पा करके थाना दिल्ली गेट पहुँच चुकी थी। तो वीडियो भी बनाता था, वो गलत वीडियो बना के मुझे टॉर्चर करता रहता था, मुझे और लोगों के लिए ब्लैकमेल करता था कि तू उससे है और मुझे गलत बच्चों को दोष देता था, तू जानती नहीं है। जिस तरह से कह रही कि मैंने शादी की कहा तो उसके संपर्क में किस तरह से रही आप? मैं संपर्क में ऐसे रह रही थी, वो कहता था मैं तुमसे शादी करूंगा। कुछ टाइम रही थी क्या पूरी? अरे इसी के घर पर नहीं, वो मेरे घर पे आता जाता रहता था वहीं पे। तो क्या धोखा दे रहा था तुम्हें? हाँ धोखा दे रहा था, मुझसे पैसे ले गया। कितने साल से आपके संपर्क में रहा था वो? 6 साल से, जब से मेरा पति मरा उससे पहले से मेरे पति के साथ आना जाना था उसके घर पे, मेरे पे मेरे पति से रिलेशन में। अब क्या चाहती हो आप? अब मैं चाहती हूँ ये जेल जाए और मुझे उससे छुटकारा मिले। दूसरा मामला है, ये थाना दिल्ली गेट का। ये बिटिया रानी मेरी बगल में बैठी हुई हैं और बाटर वर्क्स में ये कार्यरत हैं। इनके पति की मृत्यु हो चुकी है। इनके पति के साथ एक व्यक्ति दानवीर नाम का आता था और जो अच्छी खासी दोस्ती थी इनके पति में और दानवीर में, लेकिन पति की मृत्यु के पश्चात उसका आना जाना ख़त्म नहीं हुआ। इसने विरोध भी किया। एक दिन नशे की गोलियाँ दे करके इस बिटिया रानी के साथ मतलब बलात्कार किया और उसके बाद में वीडियो बनाई और वीडियो के माध्यम से इस बिटिया को ब्लैकमेलिंग करता रहा और ब्लैकमेलिंग के साथ साथ ये भी धमकी देता रहा कि अगर तूने विरोध किया या किसी को बताया तो मैं तेरी बिटियाओं की हत्या कर दूंगा। इस बेबस ये लड़की बर्दाश्त करती रही और अभी 3 दिन पहले की घटना है, सुबह 4 बजे आकर के इसके घर में घुस करके पहले कुंडी खटखटाई, इन्होंने खोल दिया गेट, बिटिया रानी ने, छोटी ने, इनकी बिटिया ने, दो बच्चों की माँ है ये। और जब गेट खोला तो उसने घुस करके इस लड़की को इतनी बुरी तरीके से मारा कि इसका लैट्रिन और पेशाब दोनों ही निकल गया था और बेचारी के कपड़े तक फाड़ दिए थे और ये चीखी चिल्लाई। उसने सोचा कि 4-5 बज चुके हैं या 5:30 बज चुके हैं, वो भाग गया वहाँ से और अंगोछे से उसका गला दबा दिया। कुल मिलाकर के रुपये भी इससे ऐंठता रहा, जेवर भी इसके ले गया और इसके साथ साथ इसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करता रहा। कहते हैं
या जो अस्मिता के साथ खेलता है वो माफ़ी के योग्य नहीं होता है, और अपने को अनमेरिड बताता रहा कि मैं मेरी शादी नहीं हुई है। और जब इसने जानकारी ली तो वो दो बच्चों का बाप है। इसकी पत्नी लगातार सहयोग कर रही है क्योंकि अभी तक इससे रुपये भी ऐंठता रहा, समय समय पर बैंकों से रुपया निकलवाता रहा। तो मेरा यही कहना है कि ऐसे दरिंदे को जेल की सलाखों के अंदर जाना चाहिए जो बिटियाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता हो, और अगर जरा सी चूक हो जाती तो इसकी हत्या करके चला जाता, बच्चे भी बेचारे अनाथ हो जाते। इन परिस्थितियों में किस तरीके से बच्चों का जीवन यापन होता? तो मेरा यही प्रशासन से मांग है, अभी मैं FIR करा करके आ रही हूँ थाना दिल्ली गेट में, और मेरा यही कहना है कि अति शीघ्र वो उठना चाहिए आज, और उठ करके वो जेल की सलाखों के अंदर जाना चाहिए। इसकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए जिस बिटिया की अस्मिता के साथ इस तरीके से खिलवाड़ ही नहीं किया बल्कि रुपये भी ऐंठता रहा, और रुपये ऐंठने के साथ साथ उसे गला दबा करके जाल से मारने की। एक देखिए, एक महिला ने तहरीर प्रस्तुत की थी कप्तान साहब के सामने, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि कोई व्यक्ति है जो जिससे काफ़ी समय पहले उसका संपर्क हुआ था, लेकिन धोखाधड़ी के साथ उसके साथ उसने संबंध बनाए और उससे कुछ पैसे भी ऐंठे, उसको जान से मारने की धमकी दी उसने और मारपीट की। तो जो भी तहरीर के आधार पर धाराएं बनी थी सभी धाराओं को समावेशित करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई है, साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं जिसके आधार पर अग्रिम।